हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्रिस क्रॉस लेयर स्टेप्स हेयर कट, जो कि काफ़ी अच्छे लॉन्ग हेयर पे होने वाला है। और कटिंग जो है मैं बिना ज़्यादा लेंथ को रिड्यूस करके करने वाली हूँ। तो चलिए बताती हूँ कि किस तरीके से क्या करना है। यहाँ पर आप हेयर की जो क्वालिटी है देख के समझ के होंगे, क्वालिटी वाइज हेयर बहुत अच्छा है, बस नीचे से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए हैं हेयर और काफ़ी सिंपल सा लुक था, तो इन्हें कुछ अच्छा सा स्टाइलिश कटिंग चाहिए था। तो आप लोग बताना कि कैसा लगा इनके हेयर कट का फाइनल लुक, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में आप सबको शो कर दी हूँ। चलिए अभी हम गाइडलाइन रेडी करते हैं। तो गाइडलाइन के लिए हमें टॉप एरिया से हेयर को निकालना है, गाइडलाइन हमें रेडी करना है टॉप एरिया से। तो बीचों बीच से इस तरीके से हेयर को लेना, जैसे हम मल्टी स्टेप्स कट के टाइम पे बॉक्स पार्टिंग करके हेयर निकालते ना, सेम वैसे ही निकालना है। और रूट से कॉम करेंगे ताकि हेयर छूटे नहीं, वरना फिर आपका हेयर कट भी उसी हिसाब से अनइवन होते जाएगा। तो प्रॉपर अच्छे से आप हेयर को कॉम करें अच्छा टाइम लेते हुए, उसके बाद इसको हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। देखिए शॉर्ट हेयर पे कट करना रहता है ना, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है क्योंकि कोमिंग इजी हो जाती है, लेकिन लॉन्ग हेयर पे थोड़ा सा जो है कोम पे हमें ज़्यादा काम करना हो जाता है। और इसको इस तरीके से देखिए सामने की तरफ थोड़ा सा डाउन क्यू में 95 डिग्री एंगल पे ले जाके बराबर कट कर देंगे। इस तरीके से देखिए इक्वल कट कर देना है। एक बार फिर से रीचेक कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा शॉर्ट लुक देना है तो शोल्डर से थोड़ा ऊपर करके कट करेंगे, अगर आपको मीडियम हाइट से स्टार्ट करना है तो आप उसको शोल्डर से मेजर करते हुए कट करना है। ओके, दोबारा एक बार फिर से रीचेक करके जो एक्स्ट्रा लेंथ है उसको मैं कट कर दे रही हूँ, साथ ही कर देना है जिग जैग। तो ये हमारा गाइडलाइन प्रॉपर अच्छे से रेडी हो चुका। अब इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और सामने से अभी हम इसको फिर से जो है जो नीचे वाले हेयर बचे हैं उसके साथ में लेते हुए कट करेंगे। तो ये हमारा देखिए इस तरीके से डिवाइड करके मिक्स कर लेंगे कटिंग करने वाले हेयर के साथ में। वीडियो को ध्यान से देखते हुए चलें ताकि कोई भी प्रोसेस आपसे स्किप ना हो और आप बहुत अच्छे से सीख पाएं कि कैसे करना है। तो अभी मैं देखिए फ्रंट साइड में जाके खड़े हो गई हूँ, उसके बाद देखिए इस तरीके से हेयर को ग्रिप करना है और फेस को क्रॉस करते हुए ठीक है इस तरीके से टू फिंगर के बीच में ग्रिप करेंगे और इक्वल कट कर देंगे। तो ये हमारा सामने से डन हो गया है। एक बार फिर से रीचेक कर लेंगे इस तरीके से और जो भी अनइवन लगेगा उसको हम ट्रिम करेंगे। तो लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट में इस तरीके से आपको लेयर जो है क्रॉस करते हुए कट करना है। अब देखिए दूसरी तरफ का कट करना है, तो यहाँ से गाइडलाइन के लिए हेयर को लेंगे, अब इधर वाली लेयर को भी कंप्लीट करेंगे। कभी भी कोई भी आप कटिंग करें गाइडलाइन के साथ में काम करोगे तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से कट होगा। देखिए इस तरीके से कोम अच्छे से करेंगे, क्योंकि जब आप हेयर को जो है क्रॉस करते हो ना तो कोमिंग का तरीका भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आप उसको रूट से लेते हुए हेयर को कोम करें और फेस को ऊपर रखें और इस तरीके से देखिए कोम करते हुए हेयर को ग्रिप करना है। एकदम देखिए क्रॉस कर दी हूँ फेस को, अपोजिट डायरेक्शन में ले गई हूँ और इस तरीके से कट कर दी। एक बार फिर से इसको हम रीचेक करेंगे और इस तरीके से ग्रिप करते हुए देखिए जो भी अनइवन लग रहा है उसको ट्रिम कर देंगे, साथ ही कर देंगे जिग जैग। तो ये हमारा फ्रंट वाला सेक्शन हो गया है डन। तो दोनों को हाफ हाफ डिवाइड करके रखेंगे, क्योंकि अब हमारे पास में बाकी पीछे के हेयर को कट करने के लिए प्रॉपर अच्छे से गाइडलाइन मिल चुकी है। अब क्या करना है, हेयर को अच्छे से कोम करते हुए डाउन करेंगे नीचे के साइड में और इस तरीके से सेक्शन डिवाइड करना है। हल्का सा मैं तिरछा तिरछा सा सेक्शन ले रही हूँ, जैसे कि हम जब दोनों तरफ से पार्टिंग को मिलाएंगे तो उसमें ए लाइन क्रिएट होगा। अब यहाँ पर भी देखिए हेयर को फेस को क्रॉस करते हुए इक्वल कट करना है। तो इनको सामने से थोड़ा शॉर्ट लुक चाहिए तो मैं इनकी पसंद के हिसाब से ही कट कर रही हूँ, साथ ही कर देना है जिग जैग। ये देखिए पीछे वाले हेयर को लेना है, सेम वैसे ही सेक्शन वाइज डिवाइड करते जाएंगे। मीडियम मीडियम लेयर के साथ में काम करोगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी कटिंग में। बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है ना कि हमारे हेयर लंबे हैं और कट कराएंगे तो शॉर्ट हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कटिंग करने का तरीका आना चाहिए कि आपको कौन सा कट कौन से हेयर पे करके देना है। तो
आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि इनके हेयर की लेंथ भी मेंटेन रहेगी और बहुत अच्छे से कट भी हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पे कटिंग के टाइम पे यही ध्यान रखना है कि जब भी आप लेयर को सामने की तरफ ले जा रहे हैं तो फेस को क्रॉस करते हुए ही ग्रिप करें और इक्वल कट करना है, ठीक है, कहीं पर भी तिरछा कट नहीं करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बस एक बार आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। और ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे मैं आपको और एक बात बता देती हूँ, इनके हेयर में ना काफ़ी स्प्लिट एंड्स भी हो गए थे ऊपर तक, तो कटिंग करने से क्या रहता है कि जो डैमेज हेयर होता है ना वो ट्रिम भी हो जाता है, तो ये भी प्लस पॉइंट होता है कि कटिंग का कटिंग भी हो गया और शॉर्ट भी नहीं हुआ ज़्यादा और जो प्रॉब्लम थी वो भी रिड्यूस हो गई। तो यहाँ पे देखिए मिक्सिंग करने के लिए भी सेम वैसे ही कान के ऊपर से हेयर को ले जाके फेस को क्रॉस करते हुए ग्रिप की और कट करने के बाद इस तरीके से जिग जैग कर देंगे। तो ये हमारा एक साइड का हो गया डन। चलिए अभी मैं आपको दूसरी साइड का भी करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से सेक्शन लेना है, देखिए बस आप मिलान कर लें और अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि आगे पीछे आपका सेक्शन हो जाता है तो आप क्या करें कि एक एक साथ में करते हुए चले, जैसे ये वाला अभी मैं कंप्लीट कर रही हूँ तो बाकी के हेयर को ना करके दूसरी तरफ का भी तुरंत कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पे देखिए फेस को बिल्कुल क्रॉस करते हुए ले जाके मैं ऐसा ग्रिप की हूँ, पोजीशन का खास आपको ध्यान रखना है और उसके बाद इस तरीके से इक्वल कट कर देना है। फाइनल लुक आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा ही है, इनके हेयर काफ़ी अच्छे लॉन्ग दिख रहे हैं। अभी मैं कट कर रही हूँ तो हो सकता है आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा हेयर शॉर्ट हो रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस टेक्निक के साथ में हेयर कट कर रही हूँ कि सामने से बहुत ही ब्यूटीफुल सा एकदम स्टाइलिश लुक भी आ जाए और जब ये अपने बालों को पीछे साइड में रखें तो हेयर की लेंथ भी अच्छी खासी लॉन्ग दिखनी चाहिए। तो बस यही चीज़ तो आप लोगों को समझानी है कि क्लाइंट के हेयर की लेंथ भी ज़्यादा रिड्यूस ना हो और अगर उनके बालों में ऐसी कोई प्रॉब्लम है, स्प्लिट एंड्स वगैरह हैं, तो वो भी आराम से ट्रिम हो सके और कट भी हो जाए, है ना, और उनको अच्छा खासा लुक भी मिल सके। तो बस इसी तरीके से सारा प्रोसेस आपको कर लेना है, ऐसा कोई टफ इसमें नहीं है कि आपको ना समझ में आए। बस सेक्शन वाइज हेयर को डिवाइड करते हुए फेस को क्रॉस करते हुए, मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ, अगर आप उस तरीके से नहीं करोगे तो हेयर कट का लुक थोड़ा डिफरेंट आएगा। मिक्सिंग के टाइम पे भी हेयर को सेम उसी तरीके से देखे, फेस को क्रॉस करते हुए ग्रिप कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा क्रॉस क्रॉस बोल रही हूँ लेकिन समझाने के लिए बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर हो सकता है गड़बड़ हो जाए आप लोगों से। ग्रिपिंग के टाइम पे आपकी पोजीशन सेम वैसी होनी चाहिए, उसके बाद आप अपने हैंड को नीचे लाके कटिंग करें, ठीक है, बस जो हेयर आप ग्रिप करते हो वो आपके उससे स्लिप नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया है कम्प्लीटली डन सामने का। उसके बाद हम करेंगे फ्रंट हेयर कट। तो फ्रंट का जो कट है इनको थोड़ा सा मीडियम में चाहिए, शॉर्ट टू मीडियम, तो बस उसी हिसाब से मैं करके देने वाली हूँ। बीचों बीच से हेयर को लेना है, अब हेयर को नीचे की तरफ लेके आना है और इसे जो है मैं लिप्स के पास से कट करने वाली हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर क्लाइंट बोले कि नहीं मुझे मीडियम रखना है, ओके, तो आप उसको कट करेंगे चिन के पास से। अगर आपको मीडियम टू शॉर्ट में रखना है तो लिप्स के पास से कट करें, क्योंकि जब आप उसको ऊपर की तरफ ऐसा ले जाके ट्रिम करोगे ना तो वो कटते कटते थोड़ा सा जो है लिप्स के ऊपर तक आ जाएगा। तो स्टार्टिंग जो है फॉरहेड से होगी और वो कान तक कटिंग का लुक पूरा जाएगा, ठीक है। अगर क्लाइंट बोले नहीं हमको शॉर्ट ही रखना है तो आप उसको जो है कट करेंगे नोज के पास से मेजर करके, और मीडियम टू शॉर्ट के लिए लिप्स के पास से, और एकदम ही मीडियम बस रखना है तो चिन के पास से ले जाके कट कर दें। उसके बाद बैक साइड में हेयर को ले जाके मैं करने वाली हूँ वन लेंथ, बस थोड़ा थोड़ा सा ट्रिम करूँगी ताकि हेयर अच्छा परफेक्ट शेप में दिखे। तो सेंटर पार्ट्स को बराबर और साइड वाले हेयर को हल्का सा तिरछा तिरछा सा ट्रिम करना है, ये देखिए। इसे क्या रहेगा कि जो नीचे पतला पतला सा दिख रहा है ना वो कट हो जाएगा तो और भी ज़्यादा सुंदर दिखेगा। जब वो चोटी बनाएंगी ना तो हेयर ऐसा पतला पतला नीचे से नहीं दिखेगा, वो एक अच्छे जो है घने लुक में आ जाएगा। और जब हेयर की ग्रोथ बढ़ेगी, लेंथ आएगी, तो वो भी एक अच्छे शेप में दिखेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे ही 2 महीने 3 महीने बीते और हेयर थोड़ा सा ग्रोथ में आए तो वो अजीब सा दिखे, नहीं। अगर आप ऐसे छोड़ते हो ना तो फिर वो अजीब लगता है। हालांकि ज़रूरत नहीं थी इनके बालों में कटिंग की क्योंकि परफेक्ट शेप दिख रहा था, फिर भी थोड़ा सा ट्रिम करने से ना कटिंग का लुक थोड़ा अलग ही आ जाएगा। देखिए कितना अच्छा दिखने लगा है। तो मैं इनके बालों पे जो है कर देने वाली हूँ ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई की वीडियो मैं बहुत सारी अपलोड कर चुकी हूँ गाइस, इस वजह से मैं स्किप कर देती हूँ, अदरवाइज मैं दिखाती ही रहती हूँ। तो मैं इनके बालों पे इन कर्ल्स की हूँ, मतलब ऐसे सिंपली ब्लो ड्राई करके हल्का हल्का सा अंदर के साइड में फोल्ड की हूँ और कोम करने के बाद में हेयर कट का लुक देखिए कितना प्यारा लग रहा है।
अब देखिए इनके हेयर काफ़ी अच्छे लॉन्ग थे और ये फर्स्ट टाइम कुछ इस टाइप का लुक अपने बालों पे ली हैं, तो इनके भी मन में यही था कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट तो नहीं हो जाएंगे, पर इनका ये भी कहना था कि आप इस तरीके से कट करो कि जो हेयर बहुत ज़्यादा मेरा डैमेज हो गया है वो कट हो जाए। तो बस उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया कि आप कटिंग भी अच्छा करो, मेरा फेस लुक भी चेंज हो सके, उसमें अच्छा लुक आ जाए, और लेंथ इस तरीके से कट करो कि प्रॉब्लम भी हट जाए और पीछे से अच्छे लॉन्ग भी दिखते रहे। तो मैंने इनके बालों पे क्रिस क्रॉस लेयर स्टेप्स डाला हुआ है, जो कि आप लोगों के साथ मैं ये वीडियो इसीलिए शेयर की हूँ ताकि आप लोग भी कर सकें, और कोम करके अच्छे से मैं आपको दिखा दे रही हूँ ताकि एग्जैक्ट जो कटिंग का लुक आया वो आप लोगों को समझ में आ सके। अगर आपको ये सेटिंग इन साइड बहुत ज़्यादा अच्छे से डीप में चाहिए तो आप प्रोसेस थोड़ा सा रिपीट कर करके कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा डीपली नहीं किया हुआ है, हल्का ही की हूँ। इसके बाद मैं इनके हेयर पे जो है स्पा का प्रोसेस भी करने वाली थी, इस वजह से मैं सिर्फ एक फाइनल लुक दिखाने के लिए मैं हल्का सा ब्लो ड्राई की थी। तो ये तो हो गया है फ्रंट लुक। चलिए अभी मैं आप लोगों को बैक साइड का भी लुक दिखा देती हूँ कि लेंथ कितनी आई है इनके बालों की कटिंग होने के बाद भी। तो आप लोगों ने बिफोर एंड आफ्टर सारा लुक देख ही लिया हुआ है। देखिए इनके हेयर की लेंथ भी मेंटेन है और फुल लेंथ बहुत अच्छे से स्टेप्स भी दिख रहे हैं। ये खुद भी मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी अपने कटिंग को देख के। इनके मन में ये था कि मतलब कटिंग होते होते आई थिंक शोल्डर से बस थोड़ा नीचे तक बचेगा, लेकिन जब इन्होंने फाइनल लुक अपना देखा तो बहुत ज़्यादा खुश हुई कि लग ही नहीं रहा कि मैंने अपने हेयर कट करवाए हुए। मतलब लुक वाइज तो बहुत चेंज लग रहा है, लेकिन लेंथ वाइज ये देख के बहुत खुश थी कि मेरा लुक भी चेंज हो गया और मेरी लेंथ भी मेंटेन है। तो आई होप कि आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहे। कुछ भी डाउट हो गाइस तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो 2024 का ये पहला क्रिस क्रॉस लॉन्ग लेयर हेयर कट वीडियो है, तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करिएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं अपनी वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय गाइस।